से की प्रथम सीन यानी पहली सीन पेश की जा रही है। अच्छा, जिला अमेठी, जिला अमेठी ग्राम अमरपुर। अच्छा, जिला अमेठी ग्राम अमरपुर के माने जाने प्रधान राम प्रकाश प्रधान पधार रहे। आए हुए हमारे संगीत कला के प्रेमी भाई माता बहनों से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ शुभ आशीर्वाद की मनोकामनाएं भी करता हूं। कहता हूं मैं प्राण, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर इस अवना चीज से कोई गलती हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिए। मास्टर रामलाल खलनायक की कंपनी का बैठकर आनंद लीजिए। ना जाने कब दीदार होंगे हम दोस्तों, जिंदगी का क्या भरोसा, आज यहाँ ना जाने कल कहाँ होंगे हम। अबे राकेश राकेश, क्या बताऊँ, एक हमारा मेट है, आज कई दिनों से नजर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर बैठकर उसका इंतजार कर लेता हूँ। नमस्कार राकेश, नमस्कार राकेश, ये बताओ आज कई दिनों से तुम नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ पर हो? कई दिन से कई लॉकडाउन में काम धंधा मरेगा बंद हो गया है। जब बंद हो गया तो हमको क्या कर भैया, मेहरारू बेचारी लखत हुई भैया, हम कह जाए धान साल लगवाई जाई, मान ले हो चला आज घर पर हो गए गए, अब मेहरारू हमारी बिगड़त रही प्रधान कहे जान है, जब समय नरेगा चालू हो गया है सारा मुंशी जाना तो हाल कर यार भाग भाग के जल्दी जाइए हो ना, वैसे नहीं पता लगा कि हमारी ड्यूटी चली जाए। अजानता है सरकार वो भाई 120-30 रुपये मिल जाए, 220 हुए बहुत भाई भाई क्या कर गए। कोई बात नहीं राकेश, देखो राकेश सुन लो, मैं अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम का बात और हमारा काम का बात। लेकिन जो हमारे दूरदराज से संगीत कला के प्रेमी भाई यहाँ हुए हैं, इन सबको मेरे पिछले कुछ नहीं मालूम। हाँ सही बात, राकेश तुम बता दो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम का बाबा और हमारा काम का बाबा। देखे पर भाई जी, छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप हमसे अपन परिचय बतलाई है ये लोग का सोच ही पर धरवा घमंडिया जो है सारा महीने, अब ये दुई तीन महीना बीतल घमंडिया ना अगली साल भी तुहार ठप्पा खत्म ही समझ लिया, मुहर न लागे समझ लिया। ठीक है राकेश, कोई बात नहीं, मैं अपना पक्ष सुन। हाँ स्वयं बताइए। हाँ तो आइए साथियों, आप सबको मैं ले चलता हूँ अपनी संगीत की ओर। तो साथियों, मैं जिला मेथी गांव अमरपुर का रहने वाला हूँ, मुझे राम प्रकाश प्रधान के नाम से जाना करते हैं। मुझसे सुना मेरे भाई है जिसका नाम आकाश कुमार है, हम दोनों भाइयों की सगाई हो गई है, मेरी पत्नी का नाम है कजरी कंठी वाली, मेरी पत्नी कजरी कंठी वाली 24 घंटे राम नाम में व्यस्त रहती है, और मेरे छोटे भाई आकाश कुमार की पत्नी का नाम है गीता देवी, और मेरा एक भतीजा है, मेरे भतीजे का नाम है पवन कुमार, मेरा भतीजा पवन कुमार इस समय इंटर में पढ़ाई कर रहा है, और राकेश मेरी एक बहन है, मेरी बहन का नाम राजकली, राजकली हम दोनों भाई मिलकर अपनी बहन राजकली की सगाई जिला गोरखपुर के गांव गंगापुर में बहुत बड़े सेठ श्री राम के हाथ दिया, श्री राम की अरे भाई प्रधान है यहाँ बलवान में नहीं किया करबे करबे। मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुशहाल रहती है राकेश, कहा हुआ देखे जाता कहा खुशहाल है कि नहीं है क्या नहीं हमारे समझ में। लेकिन राकेश तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो, सही बात है, कि पिताजी के जमाने में हम लोग क्या थे। सही बात है, तोहरे बाबू के जमाने भैया एक आ रहे
पांच बीस का खेत रहा दूसरे का इनके बाबू हलवाई कर रहे हैं। कैसे पकड़ आवाज सत है राकेश, लेकिन राकेश पिताजी के मर जाने के बाद जब मैं प्रधानी जीता, आज पांच पंचवर्षीय प्रधानी में मैं अपने नाम क्या नहीं कर लिया हूँ। सही बात ये, मेरे पिताजी के नाम के और 10 बीघा जमीन थी राकेश। सही बात, आज मैं अपने नाम 10 बीघा जमीन बना लिया हुए। आलिशान हवेली मोटर गाड़ी का आज ऊपर वाला हर चीज मुझे संपत्ति है राकेश। अब एक सब जनते हैं प्रधानी कैसे बन जाता राकेश। आज पांच पंचवर्षीय प्रधानी हो गया मुझे। अरे ये एक पंचवर्षीय सब लूट के भाई लेता। लेकिन राकेश मैं हर पंचवर्षीय क्यों जीतता जा रहा हूँ जानते हो? अरे काहे जीतते तो हम का जाएंगे, जो चीज लायक है मैं सब कुछ देता हूँ। जैसे आवास हो गया, बाथरूम लैट्रिन हो गई, जल निगम हो गया, नाली खड़ंजा, मतलब जो जिस लायक है मैं सबको बराबर देता चला रहा हूँ। ये जो लाइट जगमगा रही देख रहा मेरी तो सही बात ही है, इसलिए मैं हर पंचवर्षीय बराबर जीतता चला जा रहा हूँ। सही बात है भाई, कमल कर इसलिए राकेश मेरा ग्राम सभा मुझसे बहुत खुशहाल रहता। सही बात, लेकिन राकेश बड़ी दुखी बात है, यहाँ पर मेरा पूरा ग्राम सभा मुझसे खुशहाल रहता है, मेरा घर मेरा गांव परिवार मुझसे खुशहाल रहता है, वहीं पर हम दोनों प्राणी कभी कभी बहुत दुखी रहते हैं राकेश। जहाँ पूरा ग्राम सभा खुशी है उम्र तू कहे दुखी है, आखिर बात क्या है राकेश? दुख इस बात की है कि आज 20 वर्ष हो गए मेरी शादी हुए, लेकिन ऊपर वाला आज तक कोई मुझे एक संतान नहीं दिया। आपके पास एक तो शैतान नहीं पैदा। हाँ हमारे पास शैतान नहीं बने तो मेरे पास ससुर पहलवान नहीं बना है। अरे औलाद नहीं दिया ऊपर वाला। हाँ औलाद का बात करा ना, इसी चिंता में हम दोनों प्राणी कभी कभी बहुत दुखी रहते हैं राकेश। राकेश मैं बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ ओझा वैद्य के यहाँ हो आया हूँ, लेकिन कोई पिकअप नहीं मिला राकेश। सुन तुम्हारे पुराने वफादार नौकर हुआ, तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी पत्नी की भी कोख खुल जाए यार। हमारे दिमाग माइके दिमाग हमारे ही आई है इस समय भैरवनाथ धाम जाना भी आप जान रहा हूँ। वहीं पर एक बाबा आए हुए हैं, आम की हस्तरेखा देख करके बता देंगे कि आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे। ये बात है राकेश, उनका बहुत पहुंचे हुए बाबा है भैरान बाबा में। हाँ बाबा है फिर और बात कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बहुत दूर दूर तक हुआ में बाबा से मुलाकात करते हैं चलो, और उसे पूछते हैं बाबा मेरी नसीब में क्या है। सही बात यार सोचे राकेश चलो, लेकिन शिक्षा लेनी है हम कहीं पाया ये शिक्षा जैसे मान लो राकेश मास्टर भाई राम दुलार भाई
जितना मास्टर है सब हमका अच्छी अच्छी शिक्षा दे थी। लेकिन बच्चा का बाबा तू मेरा चेला बनना चाहता है? बाबा कहाँ तही हम हमू भक्तुल्य वंजर है। ये भक्तुल्य वंजर है उसके भक्ति नहीं भक्ति भक्ति लेना चाहता है। एकदम से सोचा था वो समस्या छोड़ दे ये खाली दारू अकेले पी लिए करी कर राम 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 दारू तो कहा कि वो फरहरी है उमा मान ले मामले बच्चा है नहीं तुम्हारे कहने का मतलब सही है। सही है नौ रुपयों में एक रुपये हाँ वो आता है ये बच्चे का बच्चा यहाँ भक्ति में दारू पीना सख्त मना कुछ ना खाए तो हुए ना गोश्त ना मछली ना अंडा ना दारू सब तो भाई घर है। अब हम भगत न हो भाई साहब चले न पाओ लेकिन तुम्हें चेला नहीं बनना चाहिए बाबा आप चेला बना हुआ हमका हम सब छोड़ देगा लेकिन चेला बनने के लिए हाँ तो एक काम करना होगा कमर काम करेगा कोई भी अगर सिर्फ भजन सुना दे बस भजन सुनाए दे हमका काखा गाखा वो ये नहीं चलिए हम भजन सुनाए दे चलो ठीक है बाबा प्रयास कर रही हम चल अच्छा सुना दे ए भैया आओ ए भैया काम है बाबा से ये पूछ ले हाँ बारह नंबर तो खा सकी थी नहीं नहीं वही खाबे करा हाँ बारह तेरह चौदह जितना बाबा सब खाई ले तब भगत हो इनको अरे अपने सतगुरु से लेहिया कि अपने सतगुरु से लेहिया लगावा बाल मा अपने सतगुरु से लेहिया लगावा बाल चेला बनने लायक चेला बन गई चेला बनने लायक हो गया लायक अब कहो में लायक कई भाई बतावा तनी देर हम जो करे कहा लायक कई यार ए बच्चा हाँ मेरे साथ रहेगा बाबा फिर चार पाई सुनावा हमको चार पाई है उसे चौपाई कहा जाता चौपाई सुनाई दे दादा हरे भाई साहब अब चौपाई सुनाई दे और श्री राम पटेल और हमारे आदरणीय माननीय श्रीमान राजेंद्र पटेल भैया राजेंद्र से 11 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मतलब आशा लगा हुआ हम जाते हैं गांव में सब प्रधान से मांग के लिए वहां था
आटा मांग लिया आवत रह गए बदलिया से देखे तो शेखपुर के बिचोड़ा बा शेखपुर के बिचो में तनाई पानी बच तो आटा लेके भौरी बनो हम चाची सवरी पकड़े। बच्चा मैंने तुझसे कह दिया ना यहाँ कच्छ मच्छ की बात नहीं हो। कच्छ मच्छ ना खाएंगे अगर खाएगा ना तो मुझसे दूर ना है बाबा ना खावे ना खावे तो हम बिल्कुल सेहरा वाली मछली हम खावे नहीं करें जानता है जिनको वह पहना मिल जाए कलहान बैठे। बच्चा मैंने कह दिया कच्छ मच्छ में सब आवत बाबा ये जोन पहले यहाँ बकरी के रेड़ी बकरी के रेड़ी तू पहले रहा जोन बड़काई में ऊँटे के रेड़ी हमका पहला दिया। ए बच्चा तेरे समझ में बकरी की रेड़ी आ रही है ये बकरी की रेड़ी नहीं फिर बाबा बल्कि तुलसी का माला है तुलसी तुलसी का माला या चलो फिर आवत अली बैठी बैठी जो तू कह रहा है हाँ ऊँट की रेड़ी हाँ रुद्राक्ष का माला रुद्राक्ष का माला या ले आओ वो पहले बैठ कर अभी नहीं पहनाऊंगा समय वक्त आएगा मैं तुझे जरूर पहना दूंगा लेकिन तू मेरे साथ भक्ति में लीन हो जाएगा तो कहा बाबा बोले बच्चा मैं बहुत जोर से थक चुका हूँ मेरा आसन लगा दे मैं बचता हूँ। हाँ वह मंदिर दिखा दिया प्रधान जी चल के पता लगाओ बाबा कुटिया में है। हाँ आओ चलिए हाँ चलिए कौन है? अरे आप पहले बाहर तो आइए क्या बात है अंधे भैया राम 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 ये बताओ भैया हाँ हम सुने रही कि भेड़ांक मेला में जौन आए एक बहुत दूर से जौन आए एक बाबा आया बाबा आया बाबा आए हाँ हाँ तो हमको उन्हें बाबा से मिले वहन मिले भैया नहीं हम ना मिला हमारे प्रधान जी मिली हाँ बुलाओ प्रधान बुलाई देगा प्रधान जी नमस्कार जय श्री राम प्रधान जी जय श्री राम जी क्या बात है कैसे बताओ बाबा जी खुटिया में है क्या हाँ इस समय हमारे बाबा जी भक्ति में लीन है भाई बाबा जी से मुलाकात करना ठीक है आइए आइए मेरे साथ आइए मैं बाबा जी से मिलवा देता हूँ बाबा जी खुश रहो बच्चा खुश रहो लेकिन आज अबे हर केस अबे ना लाए ऐसा शब्द पकड़े बाबा जी रहने के लिए जानवर हो गए खुश चुका बाबी चरण तो ऐसा बोला करो ना ठीक है बच्चा प्रधान जी आज जवन है बाबा से बात करें नहीं हमारे भूख लगी हम कचौड़ी चूड़ी खा ले बैठ लेता हूँ ठीक है खा लो नहीं मेला वाला घूम बच्चा आज अचानक बाबा के पास पानी का कारण जानते बाबा जी मैं जरूर बताऊंगा आपसे क्या मेरी बात ध्यान से सुनो Oh,
आज मेरी शादी हुए 20 वर्ष हो गए, लेकिन ऊपर वाला मुझे कोई एक संतान नहीं दिया। बाबा जी महाराज जी आप बताइए कि मेरी नसीब में संतान सुख लिखा ही नहीं है क्या? बाबा जी ठीक है बच्चा, मैं जरूर बताऊंगा। क्या बात है बाबा जी? क्या मेरा हस्त रेखा देखती हुई चौंक पड़े बाबा जी, क्या बात है? बच्चा अच्छी जी बताइए, आपका नाम राम प्रकाश प्रधान है? हाँ बाबा जी। और तुम्हारा छोटा भाई जी, क्या उसकी शादी होगी? हाँ बाबा जी उसकी शादी हो गई है। तुम्हारे घर में कोई गीता नाम की बहू आई है क्या? मेरे भाई की पत्नी है, मेरी बहू है बाबा जी। बहू है? सुनो मेरी बात को। क्या बात है बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हो? बाबा क्यों चौंके, मेरी बात को सुन नहीं पाएगा? क्या बात है बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरा हर्ष रेखा देती है क्यों चौंक पड़े? क्या बात है? और कैसे मेरे भाई का नाम जानते? इसका मतलब बाबा सब 85 मंत्र जानी तब जान ले। लेकिन बाबा जी मैं मानता हूँ कि मेरी बहू गीता अगर लड़के का सारा भोग लाके मेरी पत्नी की कोख करवा दी है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं होगा बाबा जी। प्रधान जी विकल्प तो बहुत कुछ है लेकिन वो कर नहीं पाओगे। अरे ऐसा कौन सा विकल्प है, कौन सा उपाय है बाबा जी कि मैं नहीं कर सकता? मेरे पास क्या रुपए की कमी है, या कि सोच की कमी है, या कि आदमियों की कमी है? कौन से ऐसे उपाय है कि मैं नहीं कर सकता बाबा जी? पैसे की बात नहीं है, न सोच सिफारत की बात है, लेकिन जो मैं कहूंगा बच्चा वो चीज कर जाओगे तो तेरी पत्नी जी को क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? बहुत जल्द बोलो। अगर जो मिले आगन कर कराओ कत्ल, कत्ल होते ही पत्नी खुले बच्चे कर पाए।
जाएगी, लेकिन अगर 7 दिन का बच्चा मिले, अपने आगर में जाकर उसका कत्ल करवा दो, उसकी बलि करवा दो, तेरी पत्नी की वो मिल जाएगी। बाबा जी आपके कहने का मतलब है किसान जी के मासूम बच्चे की कत्ल में इनकी उसका पहचान अपने आंगन में करवाओ, तब मेरी पत्नी की तो खुशी है बच्चा। लेकिन दादा बड़ा संभव है बाबा जी, 7 दिन का मासूम बच्चा, यही तो मैं कहूंगा, जो मैं बताऊंगा उसको कर नहीं पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं है बाबा जी, औलाद के लिए इंसान ना जाने क्या से क्या करता है, मैं भी कोशिश करके देखूंगा। मैं चल रहा बाबा जी, बाबा जी बात हो खुश रहो। बढ़ाए बाबा जी।